सो ये है हाउ आर रियलिस्ट हीरो रीबिल्ड द किंगडम का एपिसोड 7। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। सो इस एपिसोड की शुरुआत में काजुया हमें बताता है कि इस दुनिया में मैजिक 6 एलिमेंट से मिलकर बना है, फायर, वाटर, अर्थ, विंड, लाइट एंड डार्कनेस। और इनमें फायर, वाटर, अर्थ एंड विंड के अपने खुद के मैजिक अटैक्स होते हैं, और लाइट का बेसिकली इस्तेमाल हम हीलिंग मैजिक के लिए करते हैं, लेकिन इनमें डार्कनेस बिल्कुल अलग है। इसमें ऐसा अलग प्रकार का कोई जादू होता है जो उन 5 एलिमेंट्स में से किसी में नहीं आता। एंड मैजिक का यूज हमने आयशा और लिसिया की फाइट में देखा है, जिसमें आप अपनी मैजिक एबिलिटी को अपने वेपन्स एंड अटैक्स में डाल सकते हो। और इस दुनिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो दूसरों से ज्यादा ताकतवर होते हैं मैजिक का इस्तेमाल करने में, जिन्हें मेजेस कहते हैं। एंड मेजेस को उनके एलिमेंट के अनुसार फोर्सेस में भेजा जाता है। फायर एलिमेंट वाले आर्मी में जाते हैं, विंड एलिमेंट एयरफोर्स को जाते हैं, एंड वाटर एलिमेंट वाले नेवी में जाते हैं, और जो अर्थ एलिमेंट वाले होते हैं फॉरबेडर आर्मी में जाकर किंग को रिपोर्ट्स देते हैं, और जो लाइट एलिमेंट वाले होते हैं वो इक्वली हर एक ब्रांच में जाते हैं। और ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि अर्थ एलिमेंट वाले मेजर्स मुझे असाइन किए गए हैं, और इस टाइम पर हमारी फॉरबिडन आर्मी के पास मेजॉरिटी है, और जो मेरी लिविंग पोल्टरगीस्ट एबिलिटी है वो इन सबसे अलग है, इसीलिए उसे डार्क मैजिक में इंक्लूड किया गया है। एंड यहाँ से हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो अपने सामने एक कॉस्ट्यूम पहने हुए बंदे से बोलता है कि तुम ही हमारे इस एडवेंचर गिल्ड को ज्वाइन करने वाले हो। और तभी उनमें से एक और बंदा बोलता है कि ये वही एडवेंचरर है जो एक मास्कोट कॉस्ट्यूम पहनता है, एंड इसके बारे में मैंने भी कुछ टाइम पहले सुना है। इसका जो अपीयरेंस है उससे तुम्हें ये फनी लग सकता है, लेकिन इसकी जो स्किल्स है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एंड उसके बाद ये बंदा बोलता है कि आज का जो हमारा क्वेस्ट है उसमें हमें परनाम के नीचे के पैसेजवेज को एक्सप्लोर करना है, जो कि एक बिगिनर लेवल का क्वेस्ट है। एंड तभी जो एक टोपी पहने लड़की होती है वो उस गुड्डे वाले पर्सन से चिपक जाती है कि ये कितना सॉफ्ट है। उसके बाद जो उनका पार्टी लीडर होता है वो बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ हम अच्छे से काम कर पाए। उसके बाद जब वो लोग अपने क्वेस्ट पर जाते हैं तो अचानक उनके सामने एक बड़ा सा सांप आ जाता है, जिसे वो गुड्डा अपने एक ही स्लैश से काट देता है। एंड अब उसके बाद उनके सामने जितनी भी दिक्कतें आती हैं उन्हें वो गुड्डा अकेले ही संभाल लेता है। एंड उसे देखकर जो पार्टी के मेंबर्स थे वो बहुत ज्यादा हैरान थे। एंड उसके बाद वो ग्रीन वालों वाली लड़की बोलती है कि इस क्वेस्ट में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। सो काली टोपी वाली लड़की बोलती है कि हम तो यहाँ पर बस ये देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पर नीचे कौन कौन टाइप के क्रिएचर्स रहते हैं और कहीं वो बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं है। लेकिन तभी वो जो ग्रीन वालों वाली लड़की होती है वो सभी को रुकने के लिए बोलती है और बताती है कि कुछ आ रहा है हमारी ओर, और ये काफी बड़ा भी है। एंड उनके सामने एक सैलामेंडर आ जाता है। एंड जो टोपी वाली लड़की होती है वो बोलती है कि आज से पहले उसने इतना बड़ा सैलामेंडर कभी भी नहीं देखा। उसके बाद जो पार्टी लीडर होता है वो उससे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी जो येलो वालों वाला बंदा होता है वो बोलता है कि सैलामेंडर का फ्लूड बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इतने पास से हमला करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए। सो तभी ये लड़की बोलती है कि मैं अपने फायर मैजिक अटैक से इस पर हमला करती हूँ। सो वो बंदा बोलता है कि तुम्हारा फायर मैजिक इस सैलामेंडर के अगेंस्ट काम नहीं आएगा। अब ये सारी चीजें देखकर वो सभी उस सैलामेंडर से बचकर भागने लगते हैं। एंड वो सैलामेंडर अब उनका पीछा कर रहा था, और तभी येलो वाला वाला बंदा बोलता है कि इसके एसिडिक फ्लूड से बचकर रहना, अगर ये तुम्हारे शरीर पर ज्यादा मात्रा में गिर गया तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन तभी वो कॉस्ट्यूम वाला बंदा गिर जाता है। एंड इसी सिचुएशन को देखकर वो ग्रीन वाले वाली लड़की उस सैलामेंडर पर एक अटैक करती है, जिससे वहां पर बहुत तेज रोशनी क्रिएट होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रोशनी हट जाती है। एंड अब उस सैलामेंडर को गुस्सा आ जाता है, ये देखकर वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। एंड उस सैलामेंडर के एसिडिक फ्लूट से ये कॉस्ट्यूम वाला बंदा उस ग्रीन वालों वाली लड़की को बचा लेता है। उसके बाद वो उस लड़की को अपनी गोद में उठा वहां से बाकी सबके साथ भागने लगता है, जिससे ये लड़की तो काफी खुश थी। उसके बाद वो सभी वक्त रहते वहां से बाहर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद वो लोग चैन की सांस लेते हैं। एंड तभी जो पार्टी लीडर होता है वो कॉस्ट्यूम वाले बंदे से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर उसका बहुत ज्यादा सलाइवा गिर गया था। एंड वहीं दूसरी तरफ वो ग्रीन वाले वाली लड़की शायद से उसके जख्मों को ठीक कर रही है। एंड वहां पर वो लड़की उससे ये भी बोलती है कि तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी, इससे तुम्हें ही चोट लग गई। ये बात सुनकर वो गुड्डा हाथ के इशारों से उससे माफी मांगता है। तो वो लड़की बोलती है लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है तो थैंक्स। सो वो गुड्डा उसकी ओर देखता है। सो वो लड़की बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो, कि तुम खुश हो कि उसके एसिडिक फ्लूड से मेरी स्किन जलने से बच गई। सो इसके बाद वो लड़की बोलती है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ और मुझे चोटें तो लगती ही रहती हैं। एंड उन दोनों को बात करते हुए देख पीले वाले वाला बंदा देखता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। वाह, क्योंकि दोस्तों कॉस्ट्यूम भैया का आना इन मोहतरमा को कुछ खास पसंद नहीं आया था। एंड वहाँ पार्टी लीडर बोलता है कि उस बंदे ने तो एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी यूनो कैसे उसकी हर एक बात समझ रही है। सो ये लड़की बोलती है कि शायद से इसे ही प्यार की ताकत बोलते हैं, लेकिन ये दोनों बोलते हैं कि नहीं। उसके बाद यहाँ सीन बदलता है, हम देखते हैं कि जो काजुया होता है वो उस कॉस्ट्यूम को साफ कर रहा था। एंड गाइस शायद से काजुया ही इस कॉस्ट्यूम के अंदर था। एंड तभी वहां पर लिसिया आती है, जो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड उस डॉल को देखकर वो बोलती है कि पिछली बार से ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा। सो
काजुया बोलता है कि मैंने इसे बड़ा बनवा लिया है एंड मैं इसे अपने मैजिक से हिला भी सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर लिसिया बोलती है कि कहीं तुम ही तो वो मास्कोस एडवेंचरर नहीं हो जिसके बारे में अभी चारों तरफ बात चल रही है। काजुया बोलता है कि हाँ शायद से ये वही है। उसके कुछ देर बाद लिसिया बोलती है कि तुम एक पार्टी को ज्वाइन करके अंडरग्राउंड पैसेज को चेक करने के लिए गए थे, लेकिन आखिर क्यों? सो काजुया से बताता है कि वो अंडरग्राउंड पैसेज को देखना चाहता था एंड वहाँ काजुया मन में सोचता है कि आज के एडवेंचर में काफी मजा आया। एंड तब यहाँ सीन बदलता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हम कोर्ट में बहुत सारे मिनिस्टर्स को देखते हैं और काजुया उनसे बोलता है कि आपने जो मेहनत की है वो आपकी नजरों से मुझे दिखाई दे रही है। मुझे पता है कि आप काम करते करते बहुत थक गए हैं, यहाँ तक कि आप कई दिनों से घर नहीं गए और घर पर भी आप सिर्फ अपना काम ही करते रहते थे और आप सभी ने जो बलिदान दिया है उसकी वजह से अब हमारा राज्य थोड़ा बेहतर हो गया है। उसके बाद काजुया उनसे बोलता है अब हम अपने राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए अपने प्रोजेक्ट वेनेचिनोवा पर काम कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ सीन बदलता है और अगले सीन में लिसिया काजुया से पूछती है वेनेचिनोवा। सो काजुया बताता है ये एक नई सिटी का नाम है जो हम यहाँ बनाने वाले हैं। ये सुनकर लिसिया उससे बोलती है कि ये तो समुद्र तट पर है, क्या तुम वहाँ पर कोई बंदरगाह बनाने वाले हो? काजुया बोलता है हाँ। सो लिसिया बोलती है लेकिन हमारे पास तो पहले ही वाल्टर डुची में लगून सिटी है जो हमारी प्राइमरी पोर्ट है। काजुया कहीं तुम? सो काजुया बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं लगून सिटी के साथ हमारे रिश्ते खराब नहीं करने वाला हूँ। सो लिसिया पूछती है कि आखिर क्यों तुम एक नया बंदरगाह बनाने वाले हो? सो काजुया बताता है कि हम यहाँ इस नई सिटी के आसपास सड़कें बना सकते हैं जिससे हम दूसरी सिटियों तक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अपना फैला पाएंगे और एक बार जब हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वेनेचिनोवा बिल्कुल हमारे राज्य के दिल की तरह होगा और उससे जुड़ी हुई जो सड़कें होंगी वो ब्लड वेसल्स की तरह होंगी। सो लिसिया उससे पूछती है कि क्या हमें सच में हमारे राज्य को इतना फैलाने की जरूरत है? सो काजुया लिसिया से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हम किसी चीज का प्राइस किस तरीके से तय करते हैं? सो लिसिया बताती है कि जो चीजें लोगों को ज्यादा पसंद आती हैं उन्हें महंगा बेचा जाता है और जो चीजें कम पसंद आती हैं उन्हें सस्ता बेचा जाता है। काजुया बोलता है कि बिल्कुल सही, किसी चीज की कीमत उसकी सप्लाई और डिमांड पर ही तय होती है। उसके बाद काजुया बोलता है कि अगर हमारे राज्य में किसी चीज़ की मांग ज़्यादा है लेकिन हम उसकी सप्लाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी दूसरे राज्य से अपने राज्य में उन सप्लाईज को ट्रांसफर करवा सकते हैं एंड एक बार जब हम सप्लाई और डिमांड के बीच एक बैलेंस बना लेंगे तो उसके बाद जो प्राइस होंगे वो अपने आप ही डिक्रीज हो जाएंगे। एंड वहां पर काजुया लिसिया से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारे राज्य में इस वक्त लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होगी? लिसिया तुरंत जवाब देती है खाना। सो काजुया उससे बोलता है कि बिल्कुल हमारे राज्य में खाने की कमी इसीलिए है क्योंकि जो लोग हैं वो फसलें कम उगाते हैं इसीलिए फूड प्रोडक्शन कम होता है। एंड वहां पर काजुया ये भी बोलता है कि भले से ही खाने की कीमत कितनी ज्यादा क्यों ना हो आप खाना तो नहीं छोड़ सकते और अगर लोग अपने ज्यादातर पैसे खाने पर खर्च कर देंगे तो दूसरी चीजों के लिए तो उनके पास पैसे ही नहीं बचेंगे। उसके बाद काजुया बोलता है कि इस वक्त जो हमारा मेन टारगेट है वो ये है कि हमें आसमान छू रहे खाने के प्राइस को कम करना है। एंड दोस्तों उसके बाद फिर से हम देखते हैं कि जो काजुया होता है अब वो उन मिनिस्टर्स को और भी आगे बता रहा होता है कि जब हमारा ये प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो हम हमारे राज्य को बेहतर बनाने के एक और कदम पास पहुंच जाएंगे। और इन मिनिस्टर्स को काजुया पूरी जनता की ओर से थैंक्स बोलता है क्योंकि इन्होंने राज्य के लिए बहुत मेहनत की है और भले से ही आपकी मेहनत को इतिहास के पन्नों में ना लिखा जाए लेकिन मैं सोमा काजुया आपके इस बलिदान को जिंदगी भर याद रखूंगा और आप सभी वाकई असली हीरो हो हमारे राज्य के और आपके इतने दिनों की मेहनत का रिवॉर्ड है कि आपको 5 दिन की छुट्टी दी जाती है जिससे वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और काजुया उनसे ये भी बोलता है कि वो उनकी मेहनत के लिए उन्हें रिवॉर्ड में पैसे तो नहीं दे सकता क्योंकि इस वक्त उनके राज्य में फंड्स बहुत कम हैं लेकिन हाँ वो लोग कैसल से अपने लिए एक एक वाइन की बोतल ले जा सकते हैं। ये सुनकर तो उन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। एंड उसके बाद यहाँ सीन मिलता है और अगले सीन में लिसिया काजुया से बोलती है कि तुमने वहां पर कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया। सो काजुया बोलता है कि मैं कई रातों से अच्छे से सोया नहीं हूँ। सो लिसिया बोलती है लेकिन तुम्हारी जो वो एबिलिटी है लिविंग पोल्टरगीस्ट उसकी मदद से तुम अपनी कॉन्शियसनेस को काम पर लगाकर खुद आराम कर सकते थे। काजुया बोलता है हाँ लेकिन इस वक्त ना हमारी बजट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है इसी वजह से मुझे अपनी सारी की सारी कॉन्शियसनेस को काम पर लगाना पड़ा ताकि इस नए प्रोजेक्ट के लिए हम बजट बना पाए। लिसिया उसकी बात सुनकर बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें काम करना पड़ता है लेकिन प्लीज इतना काम मत किया करो, मुझे तुम्हारी चिंता होती है क्योंकि पूरे राज्य में तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। सो काजुया हंसते हुए बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम एक दूसरा हीरो समन कर लेना। एंड उसके बाद वो बोलता है कि अब मैं थोड़ा सो लेता हूँ एंड जब मैं जागूंगा तो उसके बाद हम उस कंस्ट्रक्शन साइट पर चलेंगे जहाँ पर हमें वेनेचिनोवा को बनाना है। लूडवेन और उसके लोगों ने वहां पर काम करना स्टार्ट भी कर दिया होगा एंड बिल्कुल पल भर में ही काजुया सो जाता है। उसको सोता हुआ देख लिसिया बोलती है कि सच में ये काफी थका हुआ होगा जो इतनी जल्दी सो गया।
एंड उसके बाद लीजिया काजुया के पास जाती है, बैठती है और धीरे से बोलती है कि तुमने अभी कहा कि हम एक दूसरा हीरो समन कर सकते हैं, लेकिन वो तुम नहीं होगे। एंड उसके बाद वो काजुया को गाल पर किस कर दिया एंड बोलती है, और वैसे भी मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, ना कि कोई और। एंड तभी यहाँ सीन बदलता है और हमें एक कैंप की जगह दिखाई जाती है जहाँ पर काजुया, लीसिया और आयशा आए थे, और वहाँ पर काजुया बोलता है कि ये जगह तो परिणाम से बहुत ज्यादा पास है। उसके बाद वो तीनों कहीं जाने लगते हैं और वहाँ पर काजुया बोलता है कि ये काफी अच्छी जगह है जहाँ पर हम एक बंदरगाह बना सकते हैं, लेकिन आखिर इतनी अच्छी जगह का किसी और ने इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वो ये सोच ही रहा था तभी लीडविन अपने तंबू से बाहर निकलता है, काजुया और लीसिया का वेलकम करता है, लेकिन वो आयशा का भूल जाता है। सो आयशा उसे खास कर याद दिलाती है। सो लीडविन बोलता है कि आयशा थैंक यू हिज मेजेस्टी की हिफाजत करने के लिए। उसके बाद काजुया पूछता है कि काम कैसा चल रहा है। सो लीडविन बताता है कि हमने चारों तरफ की पहले ही मार्किंग कर ली है और कंस्ट्रक्शन भी लगभग सही से चल रहा है। सो काजुया पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत आ रही है। सो लीडविन बोलता है कि हमें यहाँ बाहर डिस्कस नहीं करना चाहिए, आप अंदर चलिए पहले। और अंदर आकर काजुया को पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन के खिलाफ हैं। लीडविन आगे बताता है कि उन लोगों का गांव यहाँ से थोड़ी ही दूर है और उनका लीडर एक जेंटलमैन है जिसका नाम उरुप है, और उन्होंने हमसे दरख्वास्त की है कि हम इस जगह पर कोई भी टाउन ना बनाएं। काजुया पूछता है आखिर ऐसा क्यों। सो लीडविन बताता है क्योंकि ये जो जगह है वो काइजन की टेरिटरी में आती है, और अगर हमने यहाँ पर कोई काम किया तो यहाँ के देवता हमसे नाराज हो जाएंगे। काजुया उससे काइजन के बारे में पूछता है। लीडविन बताता है कि उस ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग ये गॉड ऑफ सी है। एंड तभी काजुया आयशा और लीसिया से पूछता है कि क्या इस दुनिया में समुद्री देवता भी होते हैं। सो लीसिया बताती है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनमें विश्वास रखते हैं, लेकिन मुझे तो इन पर विश्वास नहीं है। आयशा भी बोलती है कि मैंने भी कभी कोई नहीं देखा। सो तभी लूडविन बोलता है, उस जेंटलमैन ने मुझसे ये भी कहा था कि जब भी इस जगह पर कोई घर बनाया जाता है तो समुद्री देवता उसे नष्ट कर देते हैं, और यहाँ तक कि समुद्र में से कुछ अजीब प्रकार के मॉन्स्टर्स निकलते हैं जो उन लोगों को भी मार देते हैं जो इस जगह पर कुछ भी काम करते हैं। काजुया बोलता है अजीब मॉन्स्टर्स, हाँ। और तभी अचानक काजुया लीडविन से बोलता है कि मैं उस ओल्ड मैन से मिलकर उससे पूरी बातचीत करना चाहता हूँ। इससे लीडविन हैरान होते बताता है कि वो गांव यहाँ से कुछ खास दूर नहीं है। उसके बाद अगले सीन में वो चारों उसी ओल्ड मैन के घर के पास आ जाते हैं, और जैसे ही वो बुड्ढा लीडविन को देखता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ कि काइजन बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। सो तभी काजुया उनके पास जाकर उनसे बोलता है कि क्या आप मुझे इन काइजन के बारे में और भी बता सकते हैं। सो वो बुड्ढा पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। सो काजुया बोलता है कि एक्टिंग किंग ऑफ एल्फ्रेडन सोमा काजुया। उसकी बात सुनकर बुड्ढा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि महाराज। उसके बाद काजुया और वो बुड्ढा उरुप आमने सामने बैठ जाते हैं। काजुया पूछता है कि क्या आप मुझे अब इस काइजन के बारे में बताएंगे। सो उरुप बोलता है कि महाराज मैं अभी भी आपसे यही कहूंगा कि आप वहां पर एक टाउन ना बनाएं। वो जमीन हमेशा से काइजन की रही है, और जब भी वहां कोई घर बनाता है तो देवता उसे नष्ट कर देते हैं, और इसी वजह से हमारे टाउन से भी वहां पर कोई रहने के लिए नहीं जाता। सो तभी काजुया उरुप को नक्शा दिखाते हुए बोलता है कि अगर आपको सही से पता है कि इन काइजन का सेक्रेड लैंड कहाँ तक है तो क्या आप मुझे बताएंगे। उसके बाद हमें राज्य का सीन दिखाया जाता है, और जो काजुया होता है वो लीडविन के साथ कैसल में आ गया था। वहाँ पर वो हाकुया को ये सारी बातें बताता है। सो हाकुया बोलता है कि योर मैजेस्टी क्या आप इस काइजन में विश्वास रखते हैं। सो काजुया बोलता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, लेकिन वो उरुप बड़े ही विश्वास के साथ ये बोल रहा था, तो हो सकता है वहां से कोई ना कोई कहानी जुड़ी हो। वहां पर हाकुया काजुया से पूछता है और आखिर ये सी गॉड का गुस्सा क्या है। काजुया बताता है कि उसमें ये है कि आप उस जमीन पर कोई भी घर नहीं बना सकते, और इन सब के बावजूद भी अगर आप वहाँ रहने गए तो समुद्र से एक राक्षस निकलेगा और वो आपको खा जाएगा। मुझे लगता है कि जिस समुद्र के देवता की गुस्से की ये बात कर रहे हैं वो जरूर से सुनामी होगी। सो तभी लीडविन बोलता है कि सर मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना कि उस एरिया की तरफ कभी कोई सुनामी आई हो। सो काजुया बोलता है कि ऐसा शायद से इसी वजह से होगा क्योंकि जो सुनामी के बीच का इंटरवल होगा वो बहुत ज्यादा लंबा होगा, 100 साल, 200 साल, यहाँ तक कि यहाँ पर एक मिलेनिया भी हो सकता है। उसके बाद काजुया उन्हें बताता है कि कैसल में आने से पहले मैं कंस्ट्रक्शन साइट को अच्छे से देखकर आया हूँ, और जो कुछ भी बातें मुझे पता चली उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर कभी कभी पानी भरा रहता है। तभी हाकुया बोलता है कि जिस जगह को आपने मैप में मार्क किया है वो जरूर से वही स्लैश्ड एरिया होगा। काजुया बोलता है हाँ। सो तभी हाकुया काजुया से बोलता है कि योर मैजेस्टी अगर आपने वेनेटी नोवा के कंस्ट्रक्शन को कैंसिल किया तो। सो काजुया कुछ सोचने के बाद बोलता है कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो ऐसे ही जारी रहेगा, हाँ, लेकिन हम प्लांट कंस्ट्रक्शन साइट को चेंज कर देंगे। लीडविन बोलता है चेंज कहाँ पर। सो काजुया बताता है ये जो वी शेप्ड टोपोग्राफी है वो एक हार्बर के लिए बिल्कुल सूटेबल जगह है,
लेकिन जब सुनामी आएगी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा हमें। इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि हम हमारी कंस्ट्रक्शन साइट को यहाँ पर प्लान कर दें। काजुया की बात सुनकर लीडविन बोलता है कि सर ये जगह भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसी सुनामी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं जो 100 साल 200 साल यहाँ तक कि 1000 साल इंटरवल के गैप में आती है। सो तभी काजुया बोलता है कि पक्का कोई भी नहीं बोल सकता कि वो सुनामी कब आएगी और कब नहीं, और जितना हो सके मैं उतना वेनेटिनोवा को एक ऐसी सिटी बनाना चाहता हूँ जो हमेशा डिजास्टर से दूर रहे। उसके बाद काजुया बोलता है कि जितने भी बुड्ढों से मैंने वहाँ पर बात की उन सभी ने बताया कि जब भी समुद्र के देवता गुस्सा होते हैं तो पूरी जमीन कांपने लगती है। हाकुया बोलता है अर्थक्वेक। काजुया बोलता है कि बिल्कुल, जब समुद्र के अंदर भूकंप उठते हैं तो वो आसपास की जमीनों को भी अपने साथ ले डूबते हैं। लेकिन हाकुया और ल्यूडविन को कुछ समझ में नहीं आता उसकी कोई बात, जैसे हमें नहीं आई। लेकिन आगे काजुया बोलता है हमें बस ये बात याद रखने की जरूरत है कि अगर जमीन थोड़ी सी भी हिली तो एक सुनामी का खतरा हो सकता है। एंड उसके बाद काजुया बोलता है और हमारे लिए सबसे सेफ यही रहेगा कि हम हमारी कंस्ट्रक्शन साइट को दूसरी जगह प्लान कर दें और वहां उस जगह पर जब भी कोई अर्थक्वेक आएगा तो वो लोग समुद्री तट से जमीन की ओर भागेंगे और शायद से किसी ऐसी जगह को ढूंढेंगे जो ऊंची हो, और ये जो जानकारी है वो उन सभी तक पहुंचा दो जितने भी लोग समुद्र तट के पास रहते हैं। हाकुया बोलता है जैसा आप कहें, लेकिन आखिर हम उन्हें शेल्टर कहां पर दे सकते हैं जब अर्थक्वेक आएगा। सो उसके बाद उन्हें काजुया में अपने सबको समझाने लगता है कि हम हमारी कंस्ट्रक्शन साइट को यहां पर प्लान कर सकते हैं। अब ये सब सुनकर ल्यूडविन बोलता है कि इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। काजुया बोलता है कि हाँ वक्त तो लगेगा लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना है। अब उनका वहां पर खतरनाक वाला डिस्कशन होने लगता है। लीसिया और आयशा उनके इस डिस्कशन को बस सुन रही थी चुप होकर। वहां पर आयशा बोलती है कि हिज मैजेस्टी इस बारे में बहुत ज्यादा सोच समझ रहे हैं। लीसिया बताती है कि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है तब जाकर वो इस वेनेटिनोवा सिटी के लिए बजट बना पाया है। ये सब सुनकर आयशा बोलती है कि सच में हिज मैजेस्टी किंगडम की कितनी ज्यादा परवाह करते हैं। लीसिया भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल। एंड वहाँ पर लीसिया आयशा से पूछती है कि क्या तुम काजुया को पसंद करती हो, तो तुरंत ही आयशा जवाब देती है कि हाँ मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड तभी लीसिया आयशा से बोलती है कि हमें उसके चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रखने के लिए चाहे जो करना पड़े हम जरूर करेंगे। आयशा बोलती है बिल्कुल। उसके बाद लीसिया बड़े ही प्यार से काजुया की ओर देखने लगती है। एंड इसी रोमांटिक मोमेंट के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। एंड अगर एपिसोड पसंद आया हो तो इस पर 1K लाइक जल्दी से करवा दो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर से शेयर कर देना। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।